जिस उम्र में माता पिता की चाहत और तमन्ना पोते पोती की उंगली पकड़कर चलाने और उनके साथ खेलने की होती है, उस उम्र में कोई माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को व्हील चेयर पर घुमाए तो उस पर क्या बीत रही होगी, उसे कितना दर्द हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। और इस दर्द को हरियाणा के सिरसा जिले के कालावाली क्षेत्र के रहने वाले शैरी शर्मा के माता पिता पिछले 5 सालों से झेल रहे हैं। हालांकि शैरी अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं जो व्हील चेयर पर बैठने के बाद अपनी जिंदगी को एक तरह खत्म समझ लेते हैं। उनको मोटिवेट करता हूँ कि हम व्हील चेयर वाले भी सब कुछ कर सकते हैं सर, मैं खुद अपनी ड्राइव करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, खुद का अपना संभालता हूँ, मतलब कि हर तरीके बने हुए हैं, कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे नहाना है, मतलब कि ये प्रॉपर चीजें सिखाई जाती हैं हमें। अभी कोई मेरे को जैसे कॉल आ जाती है कि सर आप स्टैंडिंग मशीन कैसे बनाई है, ये इसकी वीडियो भेजो, मतलब कि लोगों को देख देख के चीजों का पता चलता रहता है, कैसी व्हील चेयर यूज करनी है, कैसे खड़ा होना है, इस तरह से सारी चीजें बताते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शैरी बचपन से ही व्हील चेयर पर है, बल्कि 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो पूरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद उनका आधा शरीर सुन हो गया था। एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें अपनी जिंदगी पहाड़ सी नजर आने लगी, लेकिन 70% बॉडी के काम न करने के बावजूद भी समय के साथ साथ शैरी अब बखूबी अपना काम कर लेते हैं। सर मेरी 2018 में कार एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है मेरे, उस चीज को सर कम से कम 5.5 साल से ऊपर हो गए हैं। और उसमें उसका एक्सपीरियंस तो यही रहा कि मेरा इंजरी के बाद कम से कम 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि मेरे इंटरनल चोट्स ज्यादा लगी हुई थी, उसकी वजह से मेरे 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन के बाद अब तक बस ऐसे ही है, कोई रिकवरी नहीं है, कुछ नहीं है, बट अपना सेल्फ डिपेंड हूँ, खुद का काम कर लेता हूँ अपने आप। शैरी आज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और वीडियो बनाकर अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन शैरी के मन में भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर टीस जरूर है। जिंदगी सामान्य ना होने का मलाल उन्हें भी है। तो कहा अगर सही होता तो अब तक शादीवादी हुई होती है ना, तो ये मतलब कि प्रॉब्लम्स तो बहुत है, घर वाले भी टेंशन में तो रहती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है ऐसे तो, बट अभी मैनेज करना सीख रहे हैं, जैसे किया है कर लेंगे, जैसे भी है अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक जवान बेटे को व्हील चेयर पर बैठा देख एक पिता के दिल में कितना दर्द होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जिगर के टुकड़े को खुश रखने के लिए पिता को गम के आंसू पीकर उसके सामने मुस्कुराना पड़ता है। शैरी के पिता सुभाष शर्मा भी कुछ इसी तरह से अपने लाडले के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वैसे तो ये एक बेटा था हमारा, तो लगभग ये सब सारा कुछ खत्म ही हो गया एक बार तो ये सोचते हैं, लेकिन इसको देख के भी ये अब सेल्फ डिपेंड है, ये सब कुछ अब अपने आप कर लेता है, अब देख के लगता भी है भी ठीक है, जो भगवान ने कर दिया हमने ये समझौता कर लिया, जैसा भी बढ़िया टाइम पास हो रहा है हमारा। तो अगर मैं इसकी शादी करता था 24-25 साल में शादी कर देता था, और हो सकता है मेरे पोते पोतियां बड़े बड़े होते, दिमाग में तो आता है ये, लेकिन अब क्या कर भी क्या सकते हैं, ये तो भगवान ने जो कर दिया। जिंदगी ने चाहे कितने भी गम और दर्द दिए हों, लेकिन शैरी ने अब हकीकत से आमना सामना करना सीख लिया है। शायद यही वजह है कि शैरी आजकल के युवाओं को सावधानी और सुरक्षा के साथ सफर करने की अपील करते हैं, ताकि जिस दर्द को पिछले 5 सालों से वो झेल रहे हैं उसे कोई और ना झेले। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।